श्वेता आप ठीक हो तुम? मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। शिखर चलो अब हम दोनों ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, श्वेता भी ठीक है। अब आप अपने रूम में जाके रेस्ट कीजिए। लेकिन हर्ष ये लड़की रेस्ट करो, मैं पानी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। माँ, अरे माँ रुकिए, क्या कर रही हो? अगर किसी ने देख लिया तो राजेश, जब हमने तुमको जानकी के बारे में पूछा तुमने क्या कहा? वो चली गई है ना, तुम्हारा आदमी उसको दरभंगा छोड़ के आ गया था। राजेश वापस कैसे आ गई वो? किसी काम की नहीं हो तुम, सही कहते हो। एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता राजेश, एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता है। भाई क्या कह रही है, आप पागल हो गए क्या? पागल हो गए हम, तुम पागल हो गए, हम ना हम पागल हो गए। क्या मिला भी, इतने साल के इंतजार, इतने साल की मेहनत, क्या नतीजे निकला राजेश? हम खाली हाथ ही रह गए। हम सपने में भी नहीं सोचा था कि हमको ये दिन देखना पड़ेगा। छोड़ दो हमको राजेश, तुम हमारा दर्द नहीं समझोगे, छोड़ दो हमको अपने हाल पे। इतने साल इंतजार किया हमने इस दिन का, इतनी अच्छी बिसात बिछाई थी, लेकिन राजा राजा चेकमेट होने से पहले ही बच गया। और किसने बचाया उसको राजेश, किसने बचाया? एक प्यादे ने, एक टूटे से प्यादे ने हमारी बाजी पलट दी, हमारी नाक काट के रख दी। राजेश सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ। I'm sorry, I'm sorry, लेकिन जानकी को पता चल गया कि सारी प्रॉपर्टी हर चलने वाली बीवी के नाम है, तो पता नहीं ये क्या करेगी। मेरे पास सिर्फ एक तरीका है कि मैं इस जानकी को जान से मार दूंगा। ये जानकी अब हमारे लिए बहुत खतरनाक हो गई है, इसे मारने के सिवा और कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। इस धोखे को मैं नहीं मानता, नहीं मानता। मैं तुम्हारी जगह चाहिए ना, तो मैं तुम्हारी जगह जरूर मिलेगी। ये लड़की तेरी पत्नी नहीं है। तो ये मेरी पत्नी, ये भी तो मेरी पत्नी नहीं है ना, तो ये यहां पर क्या कर रही है? इसको बोलिए यहां से बाहर जाए। नहीं चाहते, नहीं। तुम इस वक्त कमजोर नहीं पड़ सकती हो। ये जो कुछ भी कर रही हो तुम अपने पति के लिए कर रही हो, हर्षी को बचाने के लिए कर रही हो। तुम्हें अपना पत्नी धर्म निभाना है, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें अपने अपने हर्षी की नफरत क्यों ना सहनी पड़े। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तुम्हारे पति पर आज नहीं आनी चाहिए है ना। तुम यहाँ इसीलिए आई हो ना, ताकि तुम हर्षी को बचा सको, उनके दुश्मनों से उनकी रक्षा कर सको है ना। कमजोर नहीं पड़ना जानकी, तुम बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो। अच्छा हुआ हमने वो पेपर्स छुपा दिए, वो प्रॉपर्टी के पेपर किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। भगवान प्लीज, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कितना भी दुख मिले इस घर में, हमें कमजोर मत पड़ने देना भगवान, चाहे कुछ भी हो जाए। जानकी दादी, हमें माफ कर दीजिए दादी प्लीज, आप जब तक माफ नहीं करेंगे हम नहीं उठेंगे दादी प्लीज। हम जानते हैं आप सब हमसे नाराज है, दुखी है हमसे। नाराज नहीं है आपसे भाभी, ऐसी बातें कर रहे हो। शिखर ठीक कह रहा है बेटा। जानकी बेटा, मैं जानती हूँ कि तेरे पास कोई चारा नहीं था, और मैं हमेशा से तुझे और हर्ष को एक साथ देखना चाहती हूँ, लेकिन ये सब
तक धोएं और इस घूंघट की आड़ में हर्ष के साथ इस तरह शादी करना, ये तूने बिल्कुल सही नहीं किया बेटा। हमने जो किया वो सरासर गलत है। हम आपको आपकी बात को कहीं से गलत नहीं ठहरा रहे, हम गलत हैं। पर क्या करते हम? अपने ही पति को किसी और औरत से शादी करते हुए कैसे देखते हम दादी? हमसे नहीं हो रहा था इसलिए हमने ये रास्ता चुना। इसलिए आपसे बार बार माफी मांग रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए। एक मिनट, इधर बैठ हमारे साथ, आराम से बात करते हैं। जानकी सच सच बता, बात क्या है? दादी देखिए, अभी हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन लेकिन बस इतना भरोसा कीजिए हम पे, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना सिर्फ हर्ष जी के लिए कर रहे हैं। जानती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का भी विश्वास है कि कोई ना कोई बात जरूर है। अपनी दादी को नहीं बताएगी? बताना बेटा। भाभी क्या हुआ, आप हमें बता सकती है? विश्वास नहीं है हम पर? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो हे भवन क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादी और शिखर को सच बता दें या फिर? दादी जब जब सही समय दिखा दी ना अपनी असलियत तूने। अरे क्या अब मैं तुझे बता रहा हूँ, चल यहाँ से। ये क्या करे, कोई तो रोको इसे। अरे माँ जाने दो इसे। राम इसकी गलतियों को बढ़ावा मत दे। ये मत भूल कि जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था तो उसके पापों की सजा पूरे कौरव वंश को विनाश के रूप में मिली थी, और तुम दोनों के पापों की सजा हमारा पूरा परिवार भुगतेगा। अभी भी वक्त है राम, रोक ले इसे। जानती इसने क्या किया है, फिर भी इसे तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा। चल छोड़ दो उसे। अब आपकी यहां कोई जरूरत नहीं है। वही तो हर्ष, जो इसने हमारे साथ किया है उसकी वजह से मैं इसे घर से बाहर निकाल रहा था। हम गुंडे थोड़ी हैं भाई, ये काम हमारा नहीं। तो हर्ष क्या करें हम, इसे सर पर बिठा कर रखे? इतना गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा राम। हर्ष बिल्कुल ठीक कह रहा है, जानकी को हम घर से नहीं निकाल सकते। पत्नी है वो हर्ष की, शादी हुई है उसकी। डैड दादी एकदम सही कह रही है, जानकी जी इस घर की बहू है। राजेश भैया और डैड गलत नहीं कह रहे, अब जो गलती सॉरी गलती नहीं, चालबाजी। लेकिन जो चालबाजी आपने की है उसकी सजा तो मिलेगी। लेकिन हम औरतों के साथ ऐसे पेश आए, गुंडों का काम है, हमारा काम नहीं है। हम औरतों की इज्जत करना जानते हैं और करते आए हैं। राजेश भैया इट्स माई मैटर, कोई बात नहीं, ये मैं हैंडल करूंगा। इन्होंने मुझसे शादी की, धोखेबाजी से शादी की, इस बात के सब लोग गवाह। श्वेता को क्लोरोफॉर्म सुनाए, इसके भी गवाह हम सब लोग हैं। नाउ कॉल द पुलिस। हम कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले, पुलिस सजा देगी, वो डिसाइड करेगी इनके साथ क्या करना है।
हर लड़की के लिए उसकी पहली रात बहुत खूबसूरत होती है ना, यादगार होती है ना। मैं आपकी पहली रात को बहुत यादगार बनाऊंगा, इस घर में नहीं, जेल में। डैड, बुलाइए पुलिस को। हम इनकी तरह घिनौने नहीं है, सड़क छाप नहीं है, हम इनकी तरह गिर नहीं सकते। और मैं यहां पर किसी को भी कानून अपने हाथों में नहीं लेने दूंगा। पुलिस डिसाइड करेगी इनके साथ क्या करना है। लेकिन हर्ष, पुलिस ने कभी हमारे खानदान में दखलंदाजी नहीं की है। क्या फर्क पड़ता है डैड, आज से पहले शास्त्री इसको किसी ने ऐसा धोखा नहीं दिया ना। आज अगर हमारे घर में पुलिस आती भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता पापा। हर्ष बेटा, ये पुलिस, हवालात, कोर्ट, इस चक्कर में ना इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए पुलिस को रहने देते हैं। क्यों, क्या कह रही हैं आप? हर्ष एकदम ठीक तो कह रहा है। इसने कितना बड़ा धोखा किया है पूरे परिवार के साथ, और सबसे बड़ा धोखा हर्ष के साथ, जिसने हमेशा इसकी हिमायत की है। इसका एक इलाज है, इसे पुलिस के हवाले कर दो। हम कमिश्नर को अच्छी तरह जानते हैं, इसे सजा मिलने में बहुत आसानी रहेगी। मैं शास्त्री खानदान की इज्जत को बर्बाद नहीं होने दूंगा। इसने पैसा लूटना चाहे ना हर्ष से, अब देख औलाद में तेरा क्या हाल होता है। मेरे जीते जी जान की जेल नहीं जाएगी हर्ष। तू ऐसा कैसे कर सकता है? अपनी बीवी को जेल कैसे जाने दे सकता है? बीवी? कौन बीवी दादू? ये लड़की मेरी बीवी नहीं हो सकती। इतना बड़ा धोखा देने के बाद ये लड़की मेरी बीवी हो सकती है? आप बताइए दादू, किस मुंह से कहूं मैं इनको अपनी पत्नी? दादू, मैंने आपकी बात को कभी नहीं टाला और ना ही कभी टालूंगा, लेकिन इन्होंने जो गलती की उसको मैं कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। ठीक है दादू, ये जेल नहीं जाएंगे। लेकिन आप मुझसे इससे ज्यादा कुछ और एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। कुछ नहीं, तो मेरी ही गलती है। वॉर्न किया था मुझे श्वेता ने, एसिड अटैक के बाद मुझे वॉर्न किया था ना श्वेता ने आपके खिलाफ, लेकिन मैंने उसकी नहीं आपकी सुनी। मैंने आपको अच्छा इंसान समझा, सबसे आपको बचाया, और आपने क्या किया? अच्छाई का नजायज फायदा उठाया मेरे साथ। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था मैंने आप ऐसा करेंगी। इन पर दया करके इस घर में रखना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। आपके ऊपर दया खाई, आप समझ गए? पहले अकल नहीं थी ना, अब अकल आ गई। जानकी के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। हम इसको जितना चालाक समझते थे ना, ये तो उससे भी तेज निकली। हर्ष, अपनी पत्नी के पास जा रहा। ऐसे चुप रहने से कुछ भी नहीं होगा जानकी, कुछ तो बोलो। श्वेता, क्या हुआ? किसने? पानी पियो। क्या हुआ? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि जानकी तुम्हें मुझसे छीन रही है। तुम उसके साथ जाना नहीं चाहती, लेकिन वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रही थी, जो मुझे मार रही थी। हर्ष, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। कम ना, गिरफ्त गिरफ्त। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा श्वेता तुझे हर्ष की हमदर्दी हासिल करने का।
जानकी की एक गलती तेरे लिए सुनहरा मौका बन गई। हर शब्द पूरा तेरे ही काबू में श्वेता। तुम कह रहे हो काम डाउन, कैसे काम डाउन करूं हर्ष, सब खराब। मेहंदी के दिन उसने मेरे हाथ चला दिया हर्ष, और शादी के दिन मंडप से उठवा के उससे मेरा प्यार छीन लिया। आप क्या कर रही हो, आप क्या कर रही हो? She wants to kill me, हर्ष, वो जान लेना चाहती है मेरी। हर्ष, please do something, please help me, वो जान लेना चाहती है। श्वेता, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, you understand? I promise that. हर्ष, but she's your wife now. It's not my wife. मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता, you understand that? Got it? Come here. Sit here. राजेश किसका इंतजार कर रहे हो? पुलिस को फोन लगाओ। जानकी बेटा तू चुप क्यों है? भाभी, भाभी प्लीज कुछ बोलो ना, आप चुप क्यों? अरे आप हर्ष भाई की पत्नी हो। I'm very sure भाभी आपके पास बहुत बड़ा रीजन होगा ये सब करने का। आप बताओ सबको, सबको बताओ आपने ऐसे क्यों किया। अंदर भाभी आप बोलिए इनको, बोलिए ना इनको बोलने को प्लीज। जानकी राजेश हमने कहा ना पुलिस को फोन करो। भाभी ठीक है ना? भाभी भाभी आपका तमाशा बन जाएगा। मेरा तमाशा बन जाएगा शिखर, इन सब भी तमाशा बना है। फोन लगाएंगे, लगाइए फोन, लगाइए, हम भी देखना चाहते हैं आप क्या बोलेंगे पुलिस को। लगाइए। पूरी दुनिया में आपको मैं ही मिला था धोखा देने के लिए, क्या बिगाड़ा मैंने आपका, क्या बिगाड़ा मैंने आपका जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। मैं जब से ठीक हुआ मैंने सिर्फ एक इंसान पर भरोसा किया और वो है आप, और आपने ऐसा किया। एक तो इतनी घटिया हरकत की है, ऊपर से अकड़ भी दिखा रहे हो। जानकी तुम्हें ये बहुत भारी पड़ेगा इस बात याद रखना। अकड़ तो आपकी कम पड़ जाएगी भैया, भारी हल्का बाद में देखेंगे। लेकिन फोन लगाने के पहले ना सौ बार सोचिएगा। एक नौकरानी होकर हमें धमकी दे रही हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं पापा जी, आपको धमकी कोई दे ही नहीं सकता। आप राम शास्त्री हैं, आपको कोई कैसे धमकी दे सकता है? सब डरते हैं आपसे, अब तक तो हम भी डरते थे इसलिए चुप रहे। आपके सारे दोस्त डरते रहे लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। आप पुलिस को बुलाना चाहते हैं ना? पुलिस को बुलाइए, हम बोलेंगे पुलिस को हमने क्या गलत किया अपने पति से, अगर दोबारा शादी की हमने क्या गलत किया। हाँ, पर हम भी पुलिस को बताएंगे कि किस तरीके से इस छोटे से शहर की गरीब लड़की को आपने झूठ बोला और धोखे से हमारी पागल आदमी से शादी करा दी। हम भी बोलेंगे। पर पापा जी, धोखाधड़ी का केस हम पर नहीं, आपके ऊपर। भरोसा किया था मैंने, अपने आप से ज्यादा भरोसा किया था मैंने आप पर। क्या किया आपने? नहीं मिला था आपको धोखा देने के लिए, तो क्या आपने पैसे के लिए? पैसे के लिए किसी का भी दिल दुखा देंगे आप? जानकी ये तू क्या बोल रही है? क्या करें हम, और कितना सहे हम, आप ही बताइए दादी। आपकी बहुत इज्जत करते पर आज चुप नहीं रहेंगे। आज हम खुद को गलत साबित नहीं होने देंगे, हम खुद को साबित करेंगे। हम पुलिस के सामने सच बताएंगे कि हम सही हैं। हाँ, हमने शादी की, हमारे पास प्रूफ है, हमने शादी की, अपने पति से शादी की, हम उससे प्यार करते हैं, पर आप लोग क्या बताएंगे कि झूठ बोलकर हमारी शादी करवाई। पर पापा जी, राजेश भैया हमें पुलिस की धमकी मत दीजिएगा,
इतने दिन में हम ये तो जान गए हैं कि पुलिस तो आप लोगों के जेल में है, हाँ, पर सुप्रीम कोर्ट, महिला आयोग, ये भी कठपुतली है क्या? और हाँ, एक मिनट, अगर गलती से मैं मीडिया को पता चल गया कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, अंदाजा भी है? और शास्त्री परिवार, उनका रेप्यूटेशन कितना मैटर करता है ना आप लोग के लिए? ऐसे ऐसे खाद में मिल जाएगा पापा जी। लगता है वक्त रहते इसकी जुबान काटना जरूरी है। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।